आज के लेक्चर का टॉपिक है पीएक्यू फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। पीएक्यू फॉर्म मैट्रिक्स का सेंस होता है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी और उस गिवन मैट्रिक्स से दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनानी रहेगी। इसको समझने के लिए कुछ बेसिक बातें हमें आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट बात आती है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं, नॉन सिंगुलर किसे कहेंगे। तो नॉन सिंगुलर में समझिएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आपको गिवन हो, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है किसी भी ऑर्डर की हो, और यदि उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं वो क्या हो जाए, जीरो, तो उसे कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि वो क्या हो जाए कि ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाए, नॉट इक्वल जीरो, तो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। यानी इसके इसे क्या कहेंगे, सिंगुलर, और इसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए और जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो रहेगा उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड बात हमें जो समझना है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि हम आई में ए का मल्टीप्लाई करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां भी आंसर क्या आएगा, आपका ए आएगा। तीसरी बात, हमें प्री मल्टीप्लाई क्या होता है और पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है, इसे भी समझना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास पी ए क्यू इक्वल आई, एक इक्वेशन दिया गया है हमारे पास। अगर हम इसमें हम कहते हैं कि प्री मल्टीप्लाई पी इनवर्स बोथ साइड, हमने क्या किया, पी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, दोनों साइड में। तो देखिए, तो इस तरह लिखा जाएगा पी इनवर्स पी ए क्यू इक्वल पी इनवर्स आई। इसी तरह से पोस्ट मल्टीप्लाई पी इनवर्स बोथ साइड तो अगर हम पी इनवर्स का इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में पी इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में, तब आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ए क्यू और यहां आ जाएगा पी इनवर्स इक्वल आई पी इनवर्स। क्लियर है? तो पहली चीज नॉन सिंगुलर क्या होता है, दूसरा कि हम किसी मैट्रिक्स में जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे प्री करें चाहे पोस्ट, दोनों में ही आंसर क्या आएगा, हमारा ए आएगा। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन में उसके स्टार्टिंग में हम क्या करें, उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है कि उसमें एंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ हमें एक निश्चित बात और समझना पड़ेगा कि सपोज कीजिए कि ए इक्वल आई ए आई, हमने लिखा ए आई को हमने कहा आई एम और इसको कहा आई एन। तो जितने ए मैट्रिक्स में जितनी रो होंगी उतना ही ए आई एम ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी,
और जितना ए मैट्रिक्स में कॉलम होंगे जितने नंबर उतने ही ऑर्डर की आपका आई एन मैट्रिक्स बनेगी, उतने ही ऑर्डर की आई एन मैट्रिक्स बनेगी। सपोज कीजिए कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ए मैट्रिक्स ए गिवन है। अब इसी के लिए आपको क्या करना है, आई एम मैट्रिक्स बनानी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आई एम मैट्रिक्स का मतलब होगा बेटा कितने इस मैट्रिक्स में आपके रो है। तो फर्स्ट वन टू थ्री, तीन रो है, तो यानी कि एक आई मैट्रिक्स बनाएंगे एक, जिसका ऑर्डर क्या होगा थ्री क्रॉस थ्री का, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, फिर ए नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, जितने इसमें कॉलम होंगे मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम होंगे उतने ही ऑर्डर की हम क्या करेंगे आई एन मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसमें कॉलम कितने हैं बेटा, वन टू थ्री फोर, फोर कॉलम है। तो आप क्या करेंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे फोर क्रॉस फोर की, तो ए हो जाएगा वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अगर इतनी बातें आपको क्लियर है तो मैट्रिक्स का पी ए क्यू फॉर्म आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बेस एक क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन गिवन है पी ए क्यू फॉर्म के लिए, फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है थ्री क्रॉस थ्री की, और फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन द नॉर्मल फॉर्म। तो हमें क्या करना है कि सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला सॉल्यूशन वी राइट हम ए इक्वल आई, ए आई लिख सकते हैं। अभी आपको समझाया कि आई आइडेंटिटी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ए आएगा, और ए का आई में करेंगे तो भी ए आएगा। अब हमारे पास जो ए है वो थ्री क्रॉस थ्री का है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी ए भी क्या बनेगी थ्री क्रॉस थ्री की बनेगी, दोनों ही क्या होंगी थ्री क्रॉस थ्री का। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स में तीन रो है और तीन ही कॉलम है। अब मैट्रिक्स आप ए लिख लीजिए वन वन टू थ्री जीरो माइनस वन इक्वल थ्री क्रॉस थ्री का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, फिर ए मैट्रिक्स और फिर एक अदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका ऑर्डर भी क्या होगा थ्री क्रॉस थ्री का, तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब हमें क्या करना है कि इस ए मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट रिड्यूस करना है। जब इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो हम क्या करेंगे नॉर्मल फॉर्म में रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों अप्लाई होते हैं। जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि रो ऑपरेशन केवल इस मैट्रिक्स में, यानी जो प्री मैट्रिक्स है उसमें हम रो ऑपरेशन लगाए, और कॉलम ऑपरेशन क्या करेंगे पोस्ट मैट्रिक्स जो है पोस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें हम क्या करेंगे कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। मतलब कहने का सेंस ये है सिंपल सी बात कि जब इस मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगेगा तो हम इस मैट्रिक्स में उसको अप्लाई करेंगे, और जब इस मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन लगेगा तो हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स में अप्लाई करना है। क्लियर।
अब इस मैट्रिक्स को हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम होता है कि डायगोनल को वन और उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाना। तो इसके नीचे के दो रो हैं जिसमें से एक जीरो बना हुआ है, इसको जीरो बनाना पड़ेगा, और हमारा डायगोनल क्या है, पहले से ही वन है। तो हमें केवल रो आर टू में, यानी रो सेकेंड रो में ही क्या करना है, ऑपरेशन लगा करके इसको जीरो में कन्वर्ट करना है। तो हम आर टू की बात करेंगे, आर टू इसकी भी वैल्यू वन है, इसकी भी वैल्यू वन है, और दोनों का साइन क्या है, प्लस। तो सिमिलर साइन होने पे क्या करेंगे, माइनस, और डायगोनल कहाँ है, आर वन में। अब इस ऑपरेशन को इस पे अप्लाई करते हैं। तो चेंजेस कहाँ है, केवल आर टू में है, तो आर वन सेम आ जाएगी, वन वन टू। अब इसमें देखें, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस टू वन, चेंजेस केवल आर टू में होना, तो आर थ्री में चेंज होना नहीं, तो आर थ्री आ जाएगा जीरो माइनस वन माइनस इक्वल। अब आप समझिएगा कि आपने यहां क्या किया है, रो ऑपरेशन लगाया है, तो रो ऑपरेशन जो यहां लगा है, तो रो ऑपरेशन किस पे अप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स में से, इस मैट्रिक्स में, इस पे कभी भी रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे। रो ऑपरेशन केवल आर टू पे लगा है, तो आर वन आ जाएगा वन जीरो जीरो। आर टू के लिए क्या है, आर टू माइनस आर वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, फिर आर थ्री सेम आ जाएगा जीरो जीरो वन, फिर मैट्रिक्स आपकी ए, और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो। हमने या अब इसके पैरेलल जितने एलिमेंट हैं उनको भी जीरो बनाएंगे, तो कॉलम C2 और कॉलम C3 में क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा करके इस दोनों एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो पहले बात करते हैं कॉलम C2 की, तो C2 देखिए दोनों का साइन प्लस है, साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, दोनों नंबर सेम है, तो यानी कि केवल सिमिलर। C3 की बात करेंगे, C3 ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी है, टू, तो टू आ गया, और आ गया आपका डायगोनल C1। अब कॉलम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते हैं, तो कॉलम ऑपरेशन में सिंपल सी बात है कि इन दोनों एलिमेंट के लिए जीरो बनाने के लिए ही सारा ये प्रोसेस किया जा रहा है, फॉर्मूला कन्वर्ट किया बनाया गया है। तो हमें क्या करना है कि इसको वन और इन दोनों एलिमेंट को जीरो लिख देना है, और बाकी इस मैट्रिक्स को ऐसे उतार दीजिए, जीरो वन वन, जीरो माइनस वन इक्वल। अब हमने क्या किया है, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो कॉलम ऑपरेशन क्या होगा, इस मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा, तो इसको मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख देते हैं, वन जीरो जीरो, माइनस वन वन जीरो, जीरो जीरो वन, फिर मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स पर क्या करेंगे, हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो पहला क्या कहता है, C1 और C2 कॉलम पे लग रहा है, कॉलम C1 पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो वन जीरो जीरो। अब देखिए पहले इस कॉलम पे क्या कहता है, C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1, जीरो माइनस वन माइनस वन, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस जीरो जीरो। सेकेंडरी सी थ्री माइनस टू सी वन, सी थ्री की वैल्यू जीरो है, तो इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस टू। अब देखिए सी वन दोनों जीरो है, तो यानी यहां पे ये आ जाएगा जीरो और यहां आ जाएगा। अगले स्टेप में चले, अब क्या करना है कि इस डायगोनल को वन, तो पहले से वन है, इसके नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो अब हमको ऑपरेशन कहां लगाना है, आर थ्री में, आर थ्री। देखिए डायगोनल पॉजिटिव है और एलिमेंट कैसा है, नेगेटिव, तो साइन क्या आएगा, प्लस का, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो यानी केवल डायगोनल लिख देंगे, यानी आर।
अब इस ऑपरेशन को इस मैट्रिक्स ए लगाइए तो क्या होगा, केवल चेंजेस कहां होंगे, आर थ्री में, आर वन और आर टू में कोई चेंजेस नहीं, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1 0 0 0 1 1। अब आर थ्री समझिए, आर थ्री प्लस आर टू, आर थ्री प्लस आर टू मतलब 0 0 0 प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 0 इक्वल। अब क्या लगाया आपने, रो ऑपरेशन लगाया है, तो इस मैट्रिक्स पे क्या होगा, अप्लाई होगा रो ऑपरेशन। तो चेंजेस कहां होंगे, आर थ्री में, आर वन और आर टू में कोई चेंजेस नहीं, तो इसको लिख लीजिए -1 1 0। क्या कहता है, आर थ्री प्लस आर टू 0 प्लस माइनस 1, तो याद आएगा यहां पे -1, 0 प्लस 1 1 0 1 प्लस 0 1। ए और इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए 1 माइनस 1 माइनस 2 0 1 0 0 0 1। क्लियर। अब हमारे पास क्या है कि डायगोनल के नीचे जीरो कर दिया, अब इस एलिमेंट को भी जीरो करना है। चेंजेस कहां होंगे, सी थ्री में होंगे, और डायगोनल कहां इसका, सी टू में है। तो ऑपरेशन लगाएंगे सी थ्री के लिए, तो क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है और साइन भी क्या है, सेम प्लस, तो यहां क्या लगाएंगे, माइनस। क्लियर। अब देखिए, अब जब इस ऑपरेशन को अप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या होगा, कॉलम सी थ्री में चेंज होना है, बाकी तो होना नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 1 0। अब देखिए, इसकी वैल्यू जीरो है ही है, 0 प्लस 0 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और ए भी क्या हो जाएगा, इक्वल। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यानी ए मैट्रिक्स क्या होगा, सेम टू सेम आ जाएगा। तो ए मैट्रिक्स आपकी हो गई 1 0 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 1। ए आ गया ए। अब इस मैट्रिक्स की बात, यहां पे क्या है, सी थ्री माइनस सी टू, तो सी वन कॉलम क्या होगा, सेम टू सेम आ जाएगा, यानी कि 1 0 0। सी टू कॉलम में भी कोई चेंजेस नहीं, सी टू कॉलम भी सेम आ जाएगा, -1 1 0। अब सी थ्री के लिए बात करते हैं, सी थ्री के लिए क्या कहता है, सी थ्री माइनस टू और फिर माइनस सी टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब वैल्यू आ जाएगी यहां पे -1। नीचे बात करें 0 माइनस 1, यहां क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लास्ट की बात करें 1 माइनस 0, तो आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो ए मैट्रिक्स है ये क्या हो गई, ये आपके बन गया I2 और आपका A0 A0 इक्वल। इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे P, आपका A, और इसको दे देंगे Q, तो आपका आ गया I इक्वल P A Q। हम कह सकते हैं वेयर P इक्वल 1 0 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 1 एंड Q इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 0 1। तो इस तरह से हमने क्या किया कि गिवन मैट्रिक्स A से P एंड Q दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनाती है।